महू से खबर, नाई की टीम जनता कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय भोपाल पहुंची। वहां पर जनता कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब राय से प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। देखिए यह पूरी खबर। आगामी विधानसभा चुनाव, मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा को देखते हुए खबर नाइन न्यूज चैनल की टीम भोपाल जनता कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर पहुंची है और वहां यहां पर जनता कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राय साहब आए हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव जो आ रहा है उसमें पार्टी की ओर से कितने कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं, सर बताएं। सबसे पहले तो खबर नाइन की टीम को आभार जो आप यहाँ आए। जनता कांग्रेस पिछले 7 साल से प्रदेश में कार्य कर रही है, लोगों के सुख दुख में काम आ रही है। हम पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ से और इस बार अभी आज के डेट में अगर आज इलेक्शन होता है तो 90 सीट पे हम अपने कैंडिडेट उतार सकते हैं। बाकी 6 महीने टाइम है, हो सकता है कि हम पूरा का पूरा सीट उतारें। आगामी आने वाले चुनाव में जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी द्वारा वोटरों के लिए लुभावने वादे किए जा रहे हैं, जैसे कि 1500 रुपये महीना कांग्रेस द्वारा प्रति महिला को देने का वादा किया जा रहा है, 500 रुपये गैस टंकी देने का वादा किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 1000 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया जा रहा है। इसी तरह जनता कांग्रेस पार्टी भी वोटर के लिए कुछ घोषणाएं करने जा रही है क्या? देखिए, जहाँ तक भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ये सिर्फ प्रलोभन देके वोट लेने का काम करती है। आप बहुत से स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, बहुत से स्टेट में भाजपा की सरकार है और आप पिछले इलेक्शन का उनका जो भी अनाउंसमेंट है, घोषणा पत्र उठा के देखिए कि उसमें वो कितना फुलफिल किए हैं। मुझे नहीं लगता कि 10% भी इन लोगों ने फुलफिल किया है। तो हमारा जो भी होगा, हम जो भी जनता के बीच में अपनी बात रखेंगे या जो भी हम जनता के मूलभूत सुविधा के लिए हम जो कार्यक्रम बनाएंगे अपना, वो ज़मीन पर उतरेगा और हमारा काम जारी है, जिसमें फ्री गैस सिलेंडर का है, मुफ्त बिजली का है, किसानों को यूरिया देने का है, हाफ सब्सिडी जो गवर्नमेंट की ये है। दूसरा है कि पेट्रोल डीजल का जो GST वगैरह है ये कम करने का, हमसे जितना भी हो पाएगा जनता के मूलभूत सुविधा के लिए हम वो काम करेंगे। और हमारे जो भी एक्सपर्ट हैं लगे हुए हैं अपनी बढ़िया सा, इन लोगों से अलग हट के जो हम पूरा कर सके वो स्कीम बनाने में लगे हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आने वाले समय में चुनाव हो रहे हैं, आपकी पार्टी के द्वारा और कौन से प्रदेश में कैंडिडेट उतारे जाएंगे? देखिए, मध्य प्रदेश तो है ही है और छत्तीसगढ़ में भी हम लोग चुनाव फाइट कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी बहुत मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी वहाँ लड़ा था और मध्य प्रदेश तो है ही है, बाकी राजस्थान है, राजस्थान हम देखेंगे, तेलंगाना भी देखेंगे। मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए आपके तरफ से क्या तैयारी चल रही है? हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम जगह जगह, अभी हमारा जो कार्यक्रम है 13 तारीख से आपके मध्य प्रदेश में हूँ मैं, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, खंडवा, ये सब लगभग मैं घूम चुका हूँ। अपने प्रत्याशियों से मिल रहा हूँ, उनसे फीडबैक ले रहा हूँ कि आप क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, जनता के बीच में किस मुद्दा को लेकर जा रहे हैं, यही सब हमारा कार्यक्रम चालू है। अभी 30 तक तो मैं मध्य प्रदेश में ही हूँ आपके। ये थे जनता कांग्रेस पार्टी के राय साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष राय साहब। इन्होंने बताया कि हमारी पार्टी आने वाले चुनाव में यदि जीतती है तो आम जनता के लिए क्या क्या सुविधा दी जाएगी। उसी तरह जिस तरह से दोनों विपक्ष पार्टियां फ्री की घोषणा कर रही है, फ्री में, ऐसे ही इनकी भी एक स्कीमें आई है। इस स्कीम को देखते हुए जनता कांग्रेस पार्टी भी दमखम से मैदान में उतर रही है। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ संजय वर्मा की रिपोर्ट।